हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरवे यूट्यूब में। आज मैं क्लास 9th की मैथ से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो पहले तो ये जो मतलब हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है और फिर उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसका रीजन भी बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक स्टेटमेंट है और इनको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। देखो, मैं अगर पहले स्टेटमेंट की बात करूं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, देखो इसको मैं समझाता हूं। जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। क्या चीज? देखो, जो रियल नंबर है उसमें रेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा, दोनों होंगे। ठीक है, तो चाहे कितने भी इरेशनल नंबर हो, वो सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर में आएंगे। तो क्वेश्चन बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यस, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी रेशनल होंगे, जितने भी इरेशनल होंगे, वो सभी रियल में आएंगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ट्रू। क्या होगा? ट्रू। लेकिन क्यों होगा ट्रू? बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जब उसमें रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, वो सभी रियल नंबर होंगे। ठीक है, दूसरे में हमसे क्या पूछा है कि जो एवरी पॉइंट होता है नंबर लाइन पर, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है, तो ये मान लीजिए हमारी नंबर लाइन हो गई। क्या हो गई? नंबर लाइन। यहाँ पर जीरो है, यहाँ प्लस वन है, यहाँ पर प्लस टू है, माइनस वन है, माइनस टू है। अब कहीं पर यहाँ पर होगा हमारे पास वन बाई टू, मान लो यहाँ पर कहीं पर होगा वन बाई टू, यहाँ कहीं पर होगा हमारे पास स्क्वायर रूट टू। क्या होगा? स्क्वायर रूट टू। यहाँ कहीं पर होगा हमारे पास स्क्वायर रूट थ्री। इसी प्रकार से यहाँ कहीं हो सकता है हमारे पास माइनस थ्री बाई टू। ठीक, तो इस प्रकार से नंबर होंगे। अब ये रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये पूरा होल नंबर है, ये नेगेटिव इंटीजर नंबर्स है। तो इस प्रकार से नंबर लाइन पर हमारे सभी प्रकार के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा। तो यहाँ पर बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट एम, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखो स्क्वायर रूट वाले भी नंबर आ रहे हैं, बिना स्क्वायर रूट वाले भी नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर लाइक वन बाई टू, थ्री बाई टू एंड नेगेटिव नंबर also can be represent. okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर लाइक वन बाई टू, थ्री बाई टू और भी कोई नंबर ले सकते हो आप,
एंड निगेटिव नंबर्स आल्सो कैन बी रिप्रेजेंट। तो जब ये भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो केवल इसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये जो है इरेशनल नंबर का फॉर्म है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो अभी मैंने आपको शुरू में बताया जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का बना हुआ होता है, रेशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं। तो सिर्फ रेशनल हो या सिर्फ इरेशनल हो, ये कैसे पॉसिबल है, दोनों होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल या फिर एवरी रियल नंबर इज रेशनल, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आंसर, फॉल्स। आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज रियल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज रियल नंबर मे बी रेशनल आर इरेशनल, क्योंकि जो रियल नंबर है वो चाहे रेशनल हो सकता है चाहे इरेशनल हो सकता है, केवल एक नहीं होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।